नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चंपारण का फेमस मटन हांडी का नाम तो आपने सुना ही होगा। बिहार का लिट्टी चोखा बिहार ही नहीं देश विदेशों में खास पहचान रखता है। हालांकि बिहारी लिट्टी चोखा शाकाहारी फूड के तौर पर फेमस है, लेकिन नॉनवेज खाने वालों के लिए भी बिहार का एक फेमस फूड है जो कि देश के बड़े बड़े शहरों में काफी डिमांड रखता है। यह कोई और नहीं बल्कि चंपारण का मटन हांडी डिश है। लिट्टी चोखा की तरह ही चंपारण मटन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कवायद पर काम हो रहा है, यानी कि अब चंपारण मटन हांडी की अपनी अलग पहचान हो सकेगी। इसके लिए चंपारण जिले के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने 19 जुलाई 2021 को 11 सदस्यों की एक टीम का गठन किया है। यह टीम चंपारण मटन को GI टैग देने के लिए एक प्रस्ताव तैयार करेगी, उसके बाद इसे प्रशासन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया जाएगा। अगर चंपारण मटन हांडी को अपना ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक पहचान मिल जाएगी तो यह एक बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि इसकी मदद से दुकानदारों, रेस्टोरेंट मालिकों, मीट शॉप वालों की कमाई बढ़ेगी, साथ ही यहां के कारीगर को भी रोजगार मिलेंगे। ऐसे में आज हम आपको चंपारण मटन हांडी के बारे में खास बातें इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। चंपारण के मटन हांडी के कई नाम हैं। इसे अहुना हांडी मीट या फिर बटलोई के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यंजन को सबसे पहले बिहार के पश्चिमी चंपारण में बनाया गया था। उस दौर में खाना बनाने के लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। पहले इसे अहुना नाम दिया गया था, लेकिन वर्तमान में यह मटन हांडी के नाम से मशहूर है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मटन को घी, सरसों का तेल, प्याज, लहसुन, अदरक, दही और ओखली मूसल में पीसे गए मसालों के पेस्ट के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद मिट्टी के बर्तन की एक हांडी में इस मिश्रण को डालकर उसके मुंह को गुथे हुए आटे से बंद कर दिया जाता है। इसे कोयले की आग में धीमी आंच पर चढ़ाकर धीरे धीरे पकाया जाता है और पकाने के दौरान लगातार हिलाया डुलाया जाता है। इसे बनाने में टाइमिंग और मांस की गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण है और माना जाता है कि पूरे भारत में चंपारण के इस गोश्त की क्वालिटी सबसे बेस्ट है। हालांकि यह डिश पश्चिमी चंपारण से सटे नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी बनाया जाता है। नेपाल में यह मीट खुले बर्तन में पकाया जाता है, जबकि चंपारण में इसे मिट्टी के ढक्कन से ढककर और आटे से उसका मुंह सील करके पकाया जाता है, जिससे उसका स्वाद और सुगंध बाहर नहीं जाता है। चंपारण मटन डिश को बनाने के लिए सफाई का काफी ध्यान रखा जाता है और स्वस्थ पशु का चयन किया जाता है। फिलहाल देश के कई बड़े शहरों में चंपारण हांडी मटन के नाम से कई होटल ढाबे चलते हैं। खासकर कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, उत्तर प्रदेश, असम जैसे शहरों में लोगों की अच्छी डिमांड है। ऐसे में इसे GI टैग मिलने के बाद इसकी ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ जाएगी। इसका सीधा फायदा बिहार के प्रशिक्षित कारीगरों, दुकानदारों, रेस्टोरेंट मालिकों और मीट शॉप दुकानदारों को मिलेगा। इनकी कमाई अच्छी होगी, साथ ही प्रशासन की तरफ से भी बेहतर ढंग से मीट काटने, सफाई का ध्यान रखने, पैकेजिंग व मांस के लिए स्वस्थ पशु का चुनाव करने के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी। बताते चले कि जिले के डीएम ने GI टैग प्रस्ताव बनाने के लिए जो 11 सदस्यीय टीम बनाई है, उनमें अधिकारी, व्यवसायी, होटल संचालक और ढाबा से जुड़े लोग शामिल है। हालांकि जल्द ही इस पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और उसके बाद इसे सरकार की सहमति के लिए भेजा जाएगा। अभी तक में बिहार के राजगीर का सिलाव खाजा, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, मुंगेर, भागलपुर व बांका के कतरनी चावल, भागलपुर का जर्दालू आम, औरंगाबाद, नवादा, गया व नालंदा का फेमस मगही पान और बासमती चावल को GI टैग मिल चुका है। अब चंपारण का फेमस मटन हांडी भी इस पहचान को मिलने की बात जो रहा है। उम्मीद है कि इसे भी अपनी पहचान देश भर में जल्द ही मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।